आज मेरे प्रिय बंधुओं बड़े धर्मक राजा हैं, कोई भी महाराज के यहाँ से विमुख होकर के नहीं जाता है। लेकिन वृक्ष जी याद रखना, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का भागी बनता है। लिखा है, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी सोन रूप होए नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी होती है तो वो राजा नरक का भागी बनता है। लेकिन महाराज भीष्मक ऐसे राजा नहीं है, इनके यहाँ किसी भी प्रकार की कलह नहीं है, बड़े संयम नियम से राज्य चल रहा है। इनके पांच पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुकुम्बा, रुक्मेश और रुकुम्बा, ये पांच पुत्र थे। लेकिन प्रभु की इच्छा एक भी कन्या का जन्म नहीं हुआ। एक भी कन्या का जन्म नहीं हुआ तो महाराज भीष्मक विचार करते हो, रे परमात्मा तूने मुझे सर्वस्व दिया लेकिन तूने एक कन्या नहीं दी। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कन्या नहीं होती है, जो पिता कन्या के पीले हाथ नहीं करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। स्वामी तूने मुझे एक कन्या क्यों नहीं दी? देखिए राजा सोच रहे हैं, लेकिन परीक्षित जी आज तुम कन्या घर में हो जाए तो लोग कन्या को बड़ा गलत दृष्टि से देखते हैं। कोई नहीं चाहता मेरे घर में कन्या जन्म ले, सब यही चाहते हैं बस पुत्र आते रहे, पुत्र आते रहे। ऐसा कोई नहीं होगा जो कन्या को चाह रहा हो, और चाहते हैं तो कितना चाहते हैं, बस दो पुत्र हुए तो एक लली हुए। अब जी बताओ, दो पुत्र सबके हुए हैं, एक लली।